हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ अपनी जीएस सीरीज की। और आज हमारे टॉपिक की 10वीं वीडियो है। हम 10वां टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और ये टॉपिक पॉलिटी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट अब तक हुए हैं, जो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को यहां पर हम देखेंगे। क्लियर? तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को यह पावर देता है। ध्यान रखना, संविधान संशोधन की पावर केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर के पास यह पावर नहीं है। राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं, स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में केवल पार्लियामेंट कर सकता है, संसद कर सकती है, और उससे रिलेटेड आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 368। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की पावर बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर दोनों की इक्वल पावर्स हैं, बराबर शक्तियां हैं। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा में भी प्रपोज किया जा सकता है और राज्यसभा में। सेम प्रोसीजर से लोकसभा में पास होगा, सेम प्रोसीजर से राज्यसभा में। दोनों की शक्तियां बराबर हैं, दोनों सदन बराबर हैं। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में। नेक्स्ट, अगला है, आपने सुना होगा एक ज्वाइंट सिटिंग, दोनों पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कानून आएगा, बिल, जिसको पहले बिल कहते हैं, जो पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद, तो यहां पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मतलब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। कब? जब मामला संविधान संशोधन विधेयक का हो, संविधान संशोधन बिल का हो, तो ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता पार्लियामेंट का, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब ज्वाइंट सेशन आता है तो ज्वाइंट सेशन में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा मिलकर एक साथ बैठ के किसी भी बिल को पास कर देते हैं। ऐसे में यह माना जाता है कि राज्यसभा को यह बाईपास करने का एक प्रक्रिया हो सकती है, जो गलत होती है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए गलत है, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ कम है, लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है। ऐसे में राज्यसभा को बाईपास करने के आरोप लगते हैं अगर ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है। इसीलिए संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट जो है, हमें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है पॉलिटी में। इसीलिए संविधान संशोधन के मामले में यह कहा गया है कि इसमें आप ज्वाइंट सिटिंग, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। मतलब संविधान संशोधन में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 है, उस संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार से होता है। पहला है सामान्य बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50%, आधा प्लस एक, ये होता है सिंपल मेजोरिटी। इसको आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, ध्यान रखना। साधारण बहुमत से जो विधेयक पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होता है, सिंपल मेजोरिटी मैंने यहां लिख दिया 50% प्लस 1, इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 3 है, इनमें जो संविधान संशोधन होता है उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। दूसरा, जैसे आपने सुना होगा भारत के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत की थी, जो संविधानिक भाषाएं संविधान में, संविधान की आठवीं अनुसूची, आठवीं शेड्यूल, एयर शेड्यूल, क्लियर है कौन कौन सी भाषाएं संविधान में शामिल की गई है, तो आठवें शेड्यूल में
जब लागू हुआ तो 14 लैंग्वेजेस थी, वर्तमान में ये बढ़ के 22 हो गई हैं। तो लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको बढ़ाया गया, लेकिन ये विशेष बहुमत नहीं माना जाता है, सामान्य बहुमत माना जाता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है और यह होती है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 66.67% वोट उपस्थित और वोट करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटेड मेंबर्स कितने होने चाहिए एक तरफ, 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास होना चाहिए दोनों हाउसेस में, तब उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट से संबंधित नहीं है, उसका राज्यों पे इंपैक्ट नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट का है या फिर वो यूनियन लिस्ट का है, संवर्ती सूची या फिर संघ सूची का है, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो वो विशेष बहुमत से करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा को, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक संविधान संशोधन माना जाएगा। नेक्स्ट, एक और संविधान संशोधन होता है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी, ये हो गया, प्लस सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में तो 2/3 बहुमत से पास होगा ही होगा वो प्रस्ताव, आधे से ज्यादा स्टेट की असेंबलीज, राज्य की विधानसभाएं भी उस प्रस्ताव को अपने विधानसभाओं में पास करें, तब जाके वो माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है, पास हुआ है। और ये आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 में है, और ऐसा तब होता है जब मामला स्टेट लिस्ट से संबंधित हो, राज्य की जो सूची है, स्टेट लिस्ट की सूची है, या राज्य का, जिस राज्य के ऊपर जिसका कोई इंपैक्ट हो रहा हो, राज्य के मामलों में इंटरफेयर हो रहा हो, उस मामले में राज्य की भी भूमिका होती है, स्टेट की भी भूमिका होती है, क्योंकि हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है, फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट्स एंड सेंटर। तब उस मामले में स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा में, उसके साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं को भी यह प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगला क्या है? केसेस रिलेटेड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि पार्लियामेंट संविधान में किस हद तक संशोधन कर सकती है, किस हद तक संशोधन नहीं कर सकती। एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूं, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, इस पे प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा सकते, राष्ट्रपति इस पे वीटो का यूज नहीं कर सकते, इसको वापस पार्लियामेंट के लिए रिव्यू के लिए भी नहीं भेज सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, अगर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है तो यह प्रेसिडेंट के लिए बाध्य होगा, मैंडेटरी होगा कि उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। यह एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो यहां पे पॉइंट आउट हमने नहीं किया था। चलिए, तो कौन कौन से केसेस हैं जो किससे संबंधित हैं? संसद की शक्ति की, कितना पार्लियामेंट की वो पावर किस लिमिट तक होगी कि वो संविधान में क्या करे, संशोधन कर सके। तो वो केसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहला केस था संकरी प्रसाद केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, संकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का यह केस था। क्लियर? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किसके हैं, ये सारे ध्यान रखना, डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, ये जजमेंट्स हैं इन केसेस में, ये माइलस्टोन केसेस माने जाते हैं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन किया है, संविधान का जो है एक्सप्लेन किया है उसको, संविधान को, संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी कितनी पावर्स होंगी, क्या क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्लैरिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसमें संकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में जो संशोधन किया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा, वो आर्टिकल 13, हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 आता है,
और आर्टिकल 13 कहता है कि जुडिशरी के पास ये पावर है किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा की बात करता है कि सरकार या पार्लियामेंट संसद के द्वारा या विधायिका और सरकार कार्यपालिका के द्वारा कोई भी पॉलिसी लाई जाएगी, कानून लाया जाएगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैलिडिटी को चेक करेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है। वो आर्टिकल है आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है किसको, जुडिशरी को। लेकिन इसमें क्या कह दिया, अगर आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करती है पार्लियामेंट तो वो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब पार्लियामेंट को पावर दे दी गई इसमें कि वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और उसके द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 या हाई कोर्ट आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन फिर से केस गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ये मामला चल रहा था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर कि सरकार किस लेवल तक जाके संविधान संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ केस, दो केसेस में समान एक सही एक सेम निर्णय दिया था, आप देखोगे दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया आर्टिकल 368 के अंतर्गत सुप्रीम पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी भाग में किसी भी प्रोविजन में संविधान संशोधन किसी भी पार्ट में संविधान संशोधन कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी ऐसा प्रोविजन हो। लेकिन इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्या कर दिया, पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967, इसमें बोला कि जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट संविधान संशोधन करेगी तो उसने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा उसका आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक दो केसेस में अपने ही दिए गए निर्णय को क्या कर दिया, पलट दिया। अब इसने क्या बोल दिया, जो पार्लियामेंट है संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती, उसकी लिमिटेशंस हैं, वो फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं करती। जबकि अभी सज्जन कुमार जो केस था उसी में कहा था फंडामेंटल राइट में संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इसमें मना कर दिया। साथ ही साथ बोला कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के दायरे में आएगा, जबकि शंकरी प्रसाद केस में कहा था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर पार्लियामेंट करेगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जबकि इसमें उसके दायरे में ला दिया गया। अगला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें इस केस के बाद पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो खींचतान चली आ रही थी कि कहां तक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और जुडिशरी कहां तक जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ये जो आपस में खींचतान चल रही थी, टसल चल रहा था इस संविधान संशोधन इस सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद, इसमें जजमेंट के बाद ये खत्म हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस माना जाता है केशवानंद भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। और इसमें यह भी पूछा गया है कितने जजेस की बेंच थी, ये 13 जजेस की बेंच थी, 13 जजेस की बेंच थी, आज तक के इतिहास में माना जाता है सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की बेंच, जिसने इस वाले केस में अपना डिसीजन दिया और पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो अभी तक डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसने बोला कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बाय पार्लियामेंट, मतलब पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, डीपीएसपी में भी संशोधन करती है कर सकती है, लेकिन एक लिमिटेशन लगा दी। वो लिमिटेशन क्या थी, लेकिन संविधान के मूल संरचना मूलभूत ढांचा का सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, इसको आधारभूत ढांचा भी कहते हैं,
संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में दिया, तो आप कहोगे केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में, किसी भी पार्ट में संविधान संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस जिस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना देगा उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता, संविधान का मूलभूत ढांचा चेंज नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, वो अमेंड नहीं किया जा सकता। और क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा यह सुप्रीम कोर्ट समय समय पे डिसाइड करेगा। जैसे दो चार एग्जांपल बता दूं, मैं इसमें एक क्लास लूंगा पूरी एक वीडियो कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे दिया, क्या विवाद चल रहा था और इसमें क्या क्या आता है। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहेगी, ये कोई भी सरकार किसी भी टाइम पार्लियामेंट इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। भारत हमेशा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा, एक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रहेगा, भारत हमेशा गणराज्य रहेगा और लोकतंत्र रहेगा, लोकतांत्रिक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत हमेशा एक सेकुलर स्टेट रहेगा, भारत के हमारे देश का हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसमें शामिल किया है। यहां आके इस केस में आके पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में आपस में टसल खत्म हो गया, एक लाइन खींच दी गई, वो लाइन पार्लियामेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, जुडिशरी ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं संविधान संशोधनों पर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में होता है पहला संविधान संशोधन, और सबसे इंपॉर्टेंट था यह संविधान संशोधन किया गया, इसमें शेड्यूल्ड 9 जोड़ी गई। भारत के संविधान में मूल रूप से 8 शेड्यूल थी, अभी 12 शेड्यूल हैं, 4 जोड़ी गई हैं समय समय पे, वो आपको मैं बताता रहूंगा। पहला शेड्यूल जोड़ा गया 9th, पहला कौन सा जोड़ा गया मूल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 9th हुआ, और वो कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में यह कहा गया जो भी शेड्यूल 9 में जो इश्यू शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा, जो मुद्दा शेड्यूल 9 में पार्लियामेंट डाल देगी, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये पुराने टाइम में अभी मैंने लड़ाई देखी थी, अभी मैंने बताया था ये लड़ाई चल रही थी, टसल चल रहा था पार्लियामेंट जुडिशियरी के बीच में। तो पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का किया और बोला जो शेड्यूल 9 में डाल देंगे उसको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकती। उसका पर्पज क्या था उस समय पार्लियामेंट का, क्योंकि सरकार को करने थे क्या, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, सुना होगा जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म करना था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के टाइम में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि ज्यादातर भूमि जमींदारों पर थी, जो लैंड होल्डर्स पे थी, और किसान क्या था, भूमिहीन था, उसके पास लैंड नहीं थी, जमीन नहीं थी। तो लैंड रिफॉर्म्स करने बहुत जरूरी थे, चकबंदी की गई, हदबंदी की गई, सीलिंग लिमिट लगाई गई कि एक व्यक्ति पर उसके नाम पर इतनी ही जमीन हो सकती है, और इस तरीके से जमींदारों से भूमि लेकर क्या कर दिया गया, जो किसान थे जिनके पास भूमिहीन थे वो, उनके पास भूमि नहीं थी, उनमें बांट दिया गया। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था शेड्यूल 9, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो इस समय तक एक फंडामेंटल राइट था, ये आज नहीं है, वर्तमान में ये नहीं है, लेकिन उस समय था, वर्तमान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल या वर्तमान में ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन इस समय तक था। तो किसी की संपत्ति को ले नहीं सकती थी सरकार, तो लेना है तो क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाल, लैंड रिफॉर्म्स को कहां डाल दिया, शेड्यूल 9 में, अब ले सकती है सरकार, और गरीबों में, मतलब जो भूमिहीन किसान है उनमें बांट सकती। तो पहले का पर्पज ये था। दूसरा, इसी में आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, और 15(4) जोड़ के SC/BC को आरक्षण दिया गया, SC/BC मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इसमें ये प्रोविजन किया गया
जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, इसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है नौकरियों में। और यहां पे नौकरियों में प्रोविजन किया गया था, सरकारी नौकरियों में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मानते हुए क्या दिया गया, 15% एससी को रिजर्वेशन दिया गया और 7.5% नौकरियों में सरकारी एसटी को दिया गया। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को क्या किया गया, आरक्षण का प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 15(4) में एससी बीसी के लिए आरक्षण का प्रोविजन किया गया। अगला दूसरा इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके द्वारा भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपको पता होगा जब हम आजाद हुए, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हम 1947 में 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय आपने सुना होगा ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस होते थे, कितने, 11 प्रोविंस थे, इसके अलावा देसी रियासतें थी। इन सबको स्टेट और यूटी में किस तरीके से रखना है, इन सबको तय किया गया किस आधार पे राज्यों को बनाया जाए, क्लियर है। तो आपने सुना होगा धर कमीशन, मैं कभी डिस्कस करूंगा, फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर, कौन सा कमीशन, फजल अली आयोग जो था, इसकी सिफारिश पर सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या लाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसमें सबसे पहले इंडिया में 14 स्टेट्स बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसके बाद फिर समय समय पर नए स्टेट बनाए जाते रहे, नए यूटीज बनाए जाते रहे। इनिशियली ये 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सातवां संविधान संशोधन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, कमीशन का नाम था जिसकी रिकमेंडेशन पे आया, फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग। अगला 24वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में किया गया। और यह कहा गया कि जो मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति बाउंड होगा किस पे साइन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। मैंने पहले बोला, मैं पहले लिखवा चुका हूं, 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मैंडेटरी बना दिया गया कि वो क्या कर सकता, क्या करेगा, उसे साइन करना ही पड़ेगा, वो वीटो का यूज नहीं कर सकता, उसे साइन करना ही पड़ेगा, वो रिव्यू के लिए नहीं भेज सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये मैं पहले ही लिख चुका हूं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, 26वां संविधान संशोधन 1971, जहां जो प्रिवी पर्स दी जाती थी, प्रिवी पर्स जो थी वो राजा रजवाड़े, जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतों को सरकार क्या देती थी, पेंशन देती थी, लाखों की पैसा, लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही बर्बाद हो जाता था सरकार का, जबकि वो राजा रजवाड़े सब पैसे वाले थे, वो पैसा जनता में, गरीब जनता के लिए लगना चाहिए था। तो प्रिवी पर्स भारत सरकार द्वारा राजे रजवाड़ों को दी जाने वाली एक प्रकार से पेंशन थी, भत्ते थे, उसको इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और उन्होंने कहा ये पैसे का, सरकार के पैसे का, देश के पैसे का वेस्टेज है, राजा रजवाड़े ऑलरेडी अमीर हैं, उन्हें इस पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसा गरीबों पर खत्म होना चाहिए, गरीबों पर खर्च होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए। इसीलिए राजा रजवाड़ों को मिलने वाली जो प्रिवी पर्स थी उसको खत्म कर दिया गया 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन 1976, किस टाइम आया, जब देश में क्या लगी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था, पढ़ेंगे आर्टिकल 352 इंदिरा गांधी जी ने लगाया, जिसको लेके उनकी आज तक आलोचना होती है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, तो आंसर है क्या, 42वां संविधान संशोधन। इतना बड़ा संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी जी ने, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस कमेटी की सिफारिश पे आया, तो इंदिरा गांधी जी ने जो कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति ने जो जो कहा उसको इस संविधान संशोधन में माना गया।
क्या किया गया, सबसे पहले प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए और प्रीएम्बल में पहली बार संविधान संशोधन यही हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसमें तीन वर्ड जोड़े गए, वो तीन वर्ड क्या थे, एक वर्ड जोड़ा गया सोशलिस्ट, प्रीएम्बल में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, दूसरा वर्ड सेकुलर समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और तीसरा वर्ड जोड़ा गया क्या, इंटीग्रिटी अखंडता। ये तीन वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 10, कितनी इनिशियली 10 जोड़ी गई, आज कितनी है बढ़ के 11 हो चुकी है। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें एक और ड्यूटी जोड़ दी गई वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 51A, डीपीएसपी 51 तक है, 51A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसमें क्या डाला गया, नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा डीपीएसपी के 39A और 48A संविधान जो संविधान अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें संशोधन किया गया। अगला क्या किया गया, इंदिरा गांधी जी ने यह प्रोविजन किया कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी उसकी सिफारिश को मानना बाध्यकारी होगा। मतलब राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा और वो इसको मानना ही पड़ेगा, बाउंड होगा उसको मानने के लिए, जिससे इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगाएं और कोई एक्शन लें तो राष्ट्रपति उसको मना ना कर पाए, इसलिए ये काम किया गया। पहली बार लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है 5 साल होता है, राज्यसभा का 6 साल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन होता है, पढ़ेंगे किसी दिन इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, तो 356 राष्ट्रपति शासन स्टेट्स में लगता है, उसकी अवधि जो 6 माह के लिए लगता है, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, उसको बढ़ा के 1 वर्ष कर दिया गया। ये सब संविधान संशोधन हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, इसके बाद मोरारजी देसाई जी की जनता पार्टी की सरकार आएगी, चुनाव होंगे, चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार जाएंगी और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जनता पार्टी की। वो 44वां संविधान संशोधन लाएंगे जिसमें बहुत सारे उन डिसीजंस को चेंज किया जाएगा जो डिसीजन 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिए गए थे। सबसे पहला आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट होगा, इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसकी जगह ये 380 यहां से करेक्ट करना, 380 नहीं है, ये क्या है, 300A है, 300A जोड़ा गया और इस 300A के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया कि सरकार कानून बना के आपकी संपत्ति ले सकती है, तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तमाम तरीके के एक्सप्रेस वे, पोर्ट्स, इन सब को डेवलप करने के लिए सरकार को जमीन की जरूरत पड़ती है। लोकसभा का कार्यकाल घटा के फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। आर्टिकल 352 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 352 क्या था, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया, नेशनल इमरजेंसी लिखा हुआ था, 3 आधार पर लगाई जा सकती है, वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए भारत पर, तब लगाई जा सकती है, और तीसरा था इंटरनल अनरेस्ट, आंतरिक अशांति। और ये आंतरिक अशांति क्या होगी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इंदिरा गांधी जी ने सरकार के अगेंस्ट हो रहे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को अशांति बना के इसको कहा कि ये इंटरनल अनरेस्ट है और इमरजेंसी लगा दी, तो इसका मिसयूज हो सकता था, इसीलिए इस संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया गया और इस वर्ड की जगह क्या बोला गया, आर्म्स रिवॉल्ट, सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तभी लगाई जा सकती है इमरजेंसी। तो अब 3 वर्ड हैं, पहले अलग 3 वर्ड थे, अब 3 वर्ड कौन से हैं, वॉर, युद्ध हो जाए, एक्सटर्नल इन्वेजन हो जाए और आर्म्स रिवॉल्ट हो जाए, तो आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। यह कब प्रोविजन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। अगला आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए अब रिटन कंसेंट चाहिए होगी कैबिनेट की, पहले नहीं थी,
तो इंदिरा गांधी से पूछा गया था राष्ट्रपति ने कि आपने कैबिनेट की रिटन परमिशन ले ली, मतलब कैबिनेट से प्रपोजल पास कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने कह दिया पढ़ दिया। लेकिन बाद में ये पता चला उनके बहुत सारे मंत्रियों ने बोला कि हमसे कोई राय नहीं ली गई थी इमरजेंसी लगाते टाइम। इसीलिए संविधान संशोधन किया गया कि अगर किसी को नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो उसे अपनी कैबिनेट से रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को रिटन में दिखाना पड़ेगा। अगला 356 के अंतर्गत जो एक बार में 6 माह से 1 साल किया गया था, वापस 1 साल से क्या कर दिया गया, 6 महीना कर दिया गया। बहुत सारे वही चेंज किए गए जो 42 में हुए थे। राष्ट्रपति ने जो 352 लगाया है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और इसको 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया था कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, मतलब उस डिसीजन को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब मनमानी हो गई यहां पे, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन इस संविधान संशोधन द्वारा वापस कर दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगेगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में दल बदल को रोकने के लिए इसको सही करना है। ये क्या लिखा है, 1985 है 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें क्या जोड़ा गया, शेड्यूल 10 जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और कौन सा कानून बनाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, सुना होगा आपने, दल बदल कानून। विधायक पार्टी छोड़कर, एमपी और विधायक पार्टी छोड़कर इधर उधर ना जाएं, सरकारें क्या रहें, मजबूत रहें, दल, इसको मैं सही से लिख देता हूं, दल बदल कानून, दल बदल को रोकने के लिए, जिससे मजबूत सरकारें रहें, स्टेबल सरकार रहें, एमपी और एमएलए की खरीद फरोख्त ना हो, सरकारें खरीद फरोख्त होकर टूटे नहीं, गिरे नहीं, इसलिए लाया गया 52वां संविधान संशोधन, जो ये कहता है कि कोई एमपी या एमएलए जिस पार्टी से चुन के गया है, अगर वो उस पार्टी को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप सदस्यता चली जाएगी। ये बहुत बड़ा इशू है जिस पे हम किसी दिन पूरी एक क्लास लेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ और उससे जुड़े हुए मुद्दे। 61वां संविधान संशोधन होता है इसके बाद 1988, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी अब तक जो मतदान करने की, वोटिंग करने की जो एज थी वो 21 साल थी, उसको घटा के 18 कर दिया गया। वर्तमान में 18 है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है, पहले ये 21 साल था, जिसको 1988 में किया गया। 69वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 239 डबल ए जोड़ा गया संविधान में, और जो दिल्ली होगी, ये कहा गया जो दिल्ली है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, यहाँ पर एक असेंबली का प्रोविजन किया गया कि विधानसभा होगी, यहाँ विधायक चुने जाएंगे और सरकार बनेगी, सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ये प्रोविजन किया गया 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 और 74 में संविधान संशोधन द्वारा 3 tier ऑफ गवर्नेंस भारत में लाया गया। अभी तक भारत में केवल केंद्र और राज्य लेवल पर सरकारें होती थी, अब तीसरा सरकार दे दिया गया, पंचायती राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, पंचायती राज संस्थाएं, और अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय। पूरा टॉपिक का डिस्कस करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, और अर्बन लोकल बॉडीज मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9th जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10th जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं जोड़ी गई, और पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, इसमें चुनाव जो होंगे उसे लड़ने के लिए 1/3 33% महिला आरक्षण दिया गया,
अब आपको पता है लेटेस्ट जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है पिछले इसी साल 2023 में, उसमें महिलाओं को एमपी और एमएलए के चुनाव में भी 33% आरक्षण दे दिया गया है। कानून का नाम है महिला शक्ति बंधन अधिनियम, उसको हम डिस्कस करेंगे। महिलाओं को एक तिहाई कम से कम होगा, ज्यादा से ज्यादा कई राज्यों ने इसे 50% तक कर दिया है। मतलब जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उसमें 33% तो महिलाएं होंगी ही। 33 से ज्यादा कितना भी कर सकते हो, मिनिमम 33% आरक्षण रखना पड़ेगा। राज्य के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, राज्य वित्त आयोग होगा, जैसे केंद्र के लिए आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है क्या फाइनेंस कमीशन, जो केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा करता है, वित्त आयोग। और राज्य और जो लोकल बॉडीज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज, इनको कहते हैं क्या लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। तो राज्य सरकार और लोकल बॉडीज के बीच में पैसे का कैसे बंटवारा होगा, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया। और इनको कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। राज्यों से कहा गया कि आप राज्य सूची के 29 विषयों पे इन्हें डिसीजन लेने के लिए इनको क्या करो, ट्रांसफर करो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। 29 सब्जेक्ट्स दिए गए। 74वां संविधान संशोधन सेम हुआ, 26 के साथ ही हुआ, और इसमें क्या किया गया, अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का प्रोविजन किया गया। 12वीं शेड्यूल जोड़ी गई। आप अब तक भारत में कितनी है, संविधान में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 8 ओरिजिनली थी, 4 अलग अलग टाइम पे हमने देख ली जो जोड़ी गई। और इसमें स्टेट को बोला गया कि आप कितने सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट ट्रांसफर करोगे अर्बन लोकल बॉडीज को, शहरी स्थानीय निकाय को, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को। तो ये पहले पार्ट में हमने 74 तक, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पोर्शन में हम इससे आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आज तक बने उनको तेजी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य, तो मैंने बताया आर्टिकल 51 ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, आंसर हो गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अभी मैंने बताया, डिस्कस किया, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 239AA, कि दिल्ली में एक सरकार होगी, मुख्यमंत्री होगा, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, विधानसभा होगी। चलिए आगे बढ़ते, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों, दल बदल कानून पे पूछ रहा है, 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, आंसर देख लो। कौन सा संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 से घटा के कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, आंसर क्या है, 61वां संविधान संशोधन, आंसर देख लो। किस संविधान संशोधन द्वारा लघु संविधान, आपको पता है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां 1976 इमरजेंसी के टाइम पर, कितने सारे प्रोविजन चेंज किया गया। अगला, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, 3rd tier ऑफ गवर्नेंस। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायतों में त्रिस्तरीय विधान व्यवस्था शुरू की गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल। 29 विषय सब्जेक्ट ट्रांसफर किए गए, बिल्कुल। महिलाओं को क्या एक चौथाई दिया गया, एक तिहाई मिनिमम, मिनिमम एक तिहाई दिया गया, तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा आंसर हो गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का पहला संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म्स 1951, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, लैंड रिफॉर्म से संबंधित संविधान संशोधन, आंसर लगा दो पहला। अगला, मैच द कॉलम करना है, पहला सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में जोड़ा गया, एक ही संविधान संशोधन हुआ है प्रियम्बल में, 42वां संविधान संशोधन, मैच कर दूं, पढ़ चुके हैं। ईयर 21 साल से 18 की गई, मतदान 61वां अभी पढ़ा, प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन और जुडिशियल रिव्यू की पावर, रिवीजन नहीं यहां पे क्या है, रिव्यू है, ये लिमिटेशन लगा देंगे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती पार्लियामेंट। मैंने बोला ना जो केसेस बताए थे, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियरी जब चल रहा था, तो पार्लियामेंट क्या करती थी, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी,
और जुडिशरी कहती थी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन 38। क्लियर है, मैच द कॉलम हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, बाय दिस टर्म ऑफ लोकसभा वॉज इंक्रीज, लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया, बिल्कुल सही है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया, बिल्कुल सही है 51A डाला गया। प्रीएम्बल में चेंज किए गए, बिल्कुल 3 वर्ड जोड़े गए, बिल्कुल सही है। 7वीं शेड्यूल में चेंज किए गए, 7वां शेड्यूल किससे संबंधित है, 7वें शेड्यूल में 3 सूचियां हैं आपको पता है, सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित है, राज्य और केंद्र के बीच में यूनियन लिस्ट जिसपे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य सूची के सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट असेंबली कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। इसमें संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 5 सब्जेक्ट को कहां से निकाल के, स्टेट लिस्ट से निकाल के कहां डाल दिया गया, कॉन्करेंट में डाल दिया गया 5 सब्जेक्ट्स को, कितने, 5 विषयों को। एग्जाम्पल 1-2 के बता दे रहा हूं मैं, जैसे एजुकेशन को डाल दिया गया, जैसे वन को डाल दिया गया फॉरेस्ट, जैसे नापतौल को डाल दिया गया, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट को इसमें डाल दिया गया। क्लियर है, पंथ निरपेक्ष सेकुलर वर्ड पता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 एक ही बार प्रीएम्बल में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। आगे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ज्वाइंट मीटिंग, क्या ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है अगर संविधान संशोधन बिल आया हो, नहीं हो सकती, मैं पहले ही बोल चुका हूं। क्या केवल संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास प्रपोज किया जा सकता है, मैंने बोला नहीं, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों इक्वल पावर होती है, दोनों में पास होना है, 2/3 बहुमत से ही पास होना है, और दोनों में से किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन सेंड सच बिल बैक टू पार्लियामेंट, क्या रिव्यू के लिए प्रेसिडेंट भेज सकते हैं, मैंने बोला नहीं, प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं होता है, उसको साइन करने ही पड़ेंगे, ये भी नहीं है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन से गलत हैं, तीनों गलत हैं, आपको दिख रहा होगा। अगला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस 1973 पूरा डिस्कस किया है, किसी दिन वीडियो में एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत, ये प्रीएम्बल वाले टॉपिक में पढ़ा था, केशवानंद भारती केस में ये कह दिया गया कि प्रीएम्बल भी किसका पार्ट है, संविधान का पार्ट है, इसीलिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मतलब प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन कर दिया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, अभी मैंने बोला सब में संशोधन कर सकती है, इस केस में यह कहा गया सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकती। क्लियर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये सही हो गया पहला, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ओनली 1 इसका आंसर हो गया। कौन सा गलत है ये पूछा है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पे लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाई एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, बिल्कुल सही। अमेंडमेंट बिल डज नॉट नीड टू रेटिफाई बाई द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या अमेंडमेंट बिल को राज्य विधानसभाओं से अनुसमर्थन कराए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर वो स्टेट का सब्जेक्ट है तो होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न एनी अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, क्या भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, ये भी सही है। तो ये क्या हो गया, गलत, क्योंकि जो स्टेट से लेटेस्ट, जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से सब्जेक्ट संबंधित होते हैं उनमें स्टेट असेंबली की भी क्या चाहिए होती है, कंसेंट चाहिए होती है। तो आंसर क्या हो गया, सी गलत है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनकी जरूरत होती है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची 52nd 1985 दल बदल कानून, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन, 7वां संविधान संशोधन।
1956 फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे कितना 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। आंसर क्या है? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा संविधान संशोधन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976, लार्ज स्केल पर संविधान संशोधन किए गए इसमें इमरजेंसी के टाइम पे। संविधान का मूल ढांचा केशवानंद भारती केस, आंसर लगा दो कहां पर है, ये रहा 1973। किस संविधान में भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, बताओ भैया, 73 और 74। अब देख लो कौन सा आंसर है, 73 में पंचायती राज, 74 में अर्बन लोकल बॉडीज, आंसर क्या है 73वां संविधान संशोधन। लघु संविधान कई बार डिस्कस कर लिया, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वां, और 3 वर्ड जोड़े गए, सेकुलर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। आपको पता है प्रिवी पर्स को खत्म किया गया क्या, 26वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वां। टर्मिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स फंडामेंटल राइट के रूप में इसको खत्म कर दिया गया कि फंडामेंटल राइट नहीं होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, बताओ 44वां। प्रियम्बल में संशोधन 42 और 21 से 18 साल 61वां आंसर हो गया। तो ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनसे जुड़े हुए इंफॉर्मेशन तथा उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत क्लियर हो गया होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे टॉपिक से मिल गई होगी। इसका सेकेंड पार्ट, जो अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़े हैं बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लगातार अपने चैनल पर अपलोड करते रहें, आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट्स की लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।